ए का वीक फॉर्म होता है वन और ए मीन्स हो जाता है एक और वन मीन्स होता है एक एन का वीक फॉर्म होता है वंस वहीं का वीक फॉर्म दो है दिस और दैट दिस का मीनिंग होता है यह और दैट का मीनिंग होता है वह दिस नियर को व्यक्त करता है वहीं दैट फार को एक्सप्रेस करता है A का स्ट्रांग फॉर्म होता है सच वही एन का स्ट्रांग फॉर्म हो जाता है दी का स्ट्रांग फॉर्म दो है पहला है दैट वेरी और दूसरा है दी भेरी दैट वेरी मीन्स होता है वही और दी वेरी मीन्स भी वही हो जाता है आगे है कॉन्सोनेंट अगर कोई वर्ड में कॉन्सोनेंट के ठीक बाद भवेल रहे और उसके पहले ए का प्रयोग हो तो हम लोग ए को ओ पढ़ते हैं जैसे मैंगो एक वर्ड है और इसका स्टार्टिंग है एम ये एम से स्टार्ट होता है एम हमारा कॉन्सोनेंट है और इसके जस्ट बाद देखिए ए भॉवेल है अर्थात कॉन्सोनेंट के बाद भॉवेल है इसमें कॉन्सोनेंट के बाद भॉवेल है इसीलिए इस वर्ड में मौजूद ए को हम लोग ए पढ़ेंगे नहीं ओ पढ़ेंगे आ मैंगो वहीं नेक्स्ट एग्जाम्पल है बनाना बनाना में बी कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट बाद मौजूद ए भॉवेल है इसीलिए हम लोग इसमें मौजूद ए को ओ बनाना पढ़ेंगे क्यों इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद भॉवेल रहे तो उस वर्ड में उस वर्ड से पहले अगर ए प्रयुक्त हुआ है उस ए को हम लोग ओ पढ़ते हैं नेक्स्ट है अगर कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट रहे तो हम लोग ए को ए पढ़ते हैं जैसे एग्जाम्पल ब्रेड ब्रेड में बी कॉन्सोनेंट है और बी के बाद आर जो है ये भी कॉन्सोनेंट है यहाँ पर कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट है इसलिए हम इस ए को ए ब्रेड पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड फ्रेंड में एफ़ और एफ़ के बाद आर है यानी कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट रहता है तो मौजूद ए को हम लोग ए फ्रेंड बोलेंगे यहाँ पर इस ए को ए बोलेंगे और नहीं बोलेंगे द को हम दी पढ़ते हैं और कभी हम लोग दी पढ़ देते हैं कभी द पढ़ते हैं कभी दी पढ़ देते हैं ऐसा क्यों इसका कारण ये है देखिए कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले द का प्रयोग हो तो हम लोग द पढ़ते हैं ये एक नाउन है बुआई एक नाउन है ये कॉन्सोनेंट uh, से स्टार्ट है इसीलिए इसके जस्ट सामने जो प्रयोग हुआ है द इसको हम लोग द बॉय पढ़ेंगे वहीं गर्ल गर्ल कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन है इसीलिए इसमें मौजूद द को हम लोग दी गर्ल पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीचर टीचर एक कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन है इसीलिए इसमें मौजूद आगे जो वर्ड है द इसको हम लोग द टीचर बोलेंगे नेक्स्ट है भॉवेल भॉवेल स्टार्टिंग नाउन के पहले अगर टी ए सी द का प्रयोग हो तो हम लोग दी उसको पढ़ेंगे बाई एग्जाम्पल एग्जाम्पल है दी ऐप्पल एप्पल एक भॉवेल है एप्पल में मौजूद ए एक भॉवेल है और इसके आगे जो दी प्रजेंट है इसको हम लोग दी एप्पल बोलेंगे नेक्स्ट है ऑरेंज ऑरेंज एक वॉवल स्टार्टिंग नाउंड है इसीलिए हम लोग इसके आगे जो मौजूद दी है उसको दी ऑरेंज बोलेंगे नेक्स्ट है अम्ब्रेला अम्ब्रेला एक भोवेल स्टार्टिंग नाउंड है भोवेल स्टार्टिंग नाउंड से पहले अगर द प्रयुक्त होता है द प्रयोग होता है तो उसे हम लोग दी अम्ब्रेला पढ़ेंगे दी अम्ब्रेला पढ़ेंगे द नहीं बोलेंगे कभी